एक ऐसा आदिवासी बहुल क्षेत्र जहां जाने आने के लिए नहीं है साधन। श्रमदान व चंदा इकट्ठा कर ग्रामीणों ने 2 किलोमीटर बनाया सड़क। सरकारी सुविधाओं से ग्रामीण वंचित, कोई नहीं इसकी सुध लेने वाला। 1500 मतदाता वाला क्षेत्र पर सरकारी सुविधा कुछ भी नहीं। खबर 365 न्यूज, आपकी खबर आप तक 365 दिन आपके साथ। हजारीबाग जिला के करीबन 70 किलोमीटर बरकट्ठा होगा और बरकट्ठा से करीबन आपको 7-8 किलोमीटर दूरी जो कि पहाड़ पे बसती है, और आप देख सकते हैं कि रास्ता भी इतना ख़राब है कि आप देख, कोई अगर आदमी रास्ता में ही अगर जाए तबीयत खराब होने के बाद तो रास्ते में ही मृत्यु हो जाती है। पिछले आते दिन देखा गया है कि मधुमक्खी जो है सो लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि मधुमक्खी काट देने के बाद उसको डॉक्टर के ले जाने के क्रम में ही मौत हो गया। और लोग अभी भी देख सकते हैं आप, चूहिया से लोग पानी को पीने के लिए मजबूर हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप खुद से देखने वाली चीज़ है कि आप देखिए कितना गड्ढा होगा, लगभग 2 फीट या 3 फीट होगा, और इससे अभी भी लोग मजबूर हैं चूहिया को पानी के पीने के लिए। और यहाँ के लोगों को कहना है कि चूहिया के पानी हम लोग पीते थे और अभी तो पी लेते हैं, लेकिन बरसात जब होती है तो बरसात में पीने के बाद हम लोग के इतना तबीयत खराब हो जाती है जो कि हम लोगों को डॉक्टर तक कोई देखने को भी, यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र भी नज़दीक में नहीं है, नो कि हम लोग के जाना पड़ता है सिलाडी। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इधर गड्ढा भी है और यहाँ पे नहाते हैं लोग और इधर पीने वाला पानी को पीया करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से लोगों ने जा करके पानी भर रहे हैं। और एक ऐसा आदिवासी बहुल क्षेत्र जहाँ जाने आने के लिए नहीं है साधन। श्रमदान व चंदा इकट्ठा कर ग्रामीणों ने 2 किलोमीटर बनाया सड़क। सरकारी सुविधाओं से ग्रामीण वंचित, कोई नहीं इसकी सुध लेने वाला। 1500 मतदाता वाला क्षेत्र पर सरकारी सुविधा कुछ भी नहीं। बरकट्ठा प्रखंड मुख्यालय से महज 8 किलोमीटर दूर स्थित गोरहर पंचायत के जवार पहाड़पुर, जहां लगभग 1000 परिवार निवास करते हैं, यहां मुख्य रूप से जवार पहाड़पुर कुसंजरा लरपिट्टी के ग्रामीण निवास करते हैं। क्षेत्र में लगभग 1500 मतदाता अपना मत का प्रयोग करते हैं। यहां उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय जवाहर है, जहां लगभग 60 आदिवासी बच्चे पढ़ाई करते हैं। वहीं पहाड़पुर में उत्क्रमित मध्य विद्यालय है, जहां लगभग 200 बच्चे पढ़ाई करते हैं। यहां के प्रधानाध्यापक दुर्गा बस्के ने कहा, विद्यालय के सभी बच्चे अध्ययनरत हैं और पढ़ाई लगातार जारी है, लेकिन यहाँ आने जाने की मुख्य साधन नहीं है, जिससे हम लोगों को काफी समस्याएं होती है। वहीं यहाँ के लोग जब बीमार पड़ जाते हैं तो इन्हें खटिया पर लादकर बरकट्ठा उप स्वास्थ्य केंद्र ले जाया जाता है, जिसके कारण कई बार बीमार व्यक्ति या प्रसव पीड़ा होने के कारण महिला रास्ते में ही दम तोड़ देती है। बीच रास्ते में नदी भी पड़ता है, जिसको पार करने के क्रम में बरसात के दिनों में कई बार लोग नदी के बहाव में बह जाते हैं। वहीं जवाहर पहाड़पुर के लोग को पानी पीने का सही साधन नहीं होने के कारण यह सब चुआ का गंदा पानी पीने को मजबूर है। यहाँ के भारत जकात महल के अध्यक्ष रामजी बेसरा ने कहा कि झारखंड में आदिवासियों की सरकार है, फिर भी बरकट्ठा क्षेत्र में आदिवासी काफी पिछड़े हुए हैं। सभी जगह रोड का शिलान्यास हो रहा है, 4 दीवारी का शिलान्यास हो रहा है, लेकिन आदिवासियों के रास्ते को लेकर कोई भी जनप्रतिनिधि और विधायक गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। वहीं प्रखंड सचिव मनोज मुर्मू ने कहा कि हम सब कई बार विधायक और सांसद को आवेदन देकर पहाड़पुर की समस्याओं को अवगत करा चुके हैं, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। वहीं बताते चले कि कुछ दिन पूर्व उप स्वास्थ्य केंद्र सिलाडी में प्रसव पीड़ा से व्याकुल एक महिला को खटिया पर लादकर लाया गया था, जिसका वीडियो भी काफी वायरल हुआ था और क्षेत्र में इसकी काफी चर्चा भी हुई थी। इसके बावजूद यहाँ के रास्ते को लेकर अभी तक समस्या का निदान नहीं हो पाया है। मौके पर भारत जकात मांझी परगना महल के अध्यक्ष रामजी बेसरा, सचिव मनोज मुर्मू, किस्कू बास्के, तालो मांझी, बंसी मांझी, राम सुंदर मुर्मू, लालजी मांझी, सीता मुनि देवी, रनिया देवी, ललिता देवी, शुक्र मुनि आदि कई लोग उपस्थित थे। खबर 365 न्यूज के लिए बरकट्ठा से संतोष कुमार पांडे की
देखे खास रिपोर्ट। जो सामान वान डेली यूज करने का जो सामान है, नमक तेल हल्दी मसाला सब्जी, ये सब कहाँ से लाते हैं? बरकट्ठा से। हमने जा बरकट्ठा बाजार, माने सोमवार को आप लोग जाते हैं? हफ्ता में एक दिन बाजार हो रहा था, बीच देखे आते समय बीच रास्ता में रोड भी ना आया था, वही दिक्कत में हमने जा लेके करेगी। तो अभी पूरा झारखंड में आप ही लोग का सरकार है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आप ही लोग का जात है, तो उसको क्या कहेंगे आप ही को लोग तो जाता है तो ठीक है, कहाँ मना रहा है हमने कितना दिक्कत हो रहा है हमने वही ने चुहा से आप लोग गंदा पानी दे करके आ रहे हैं, गंदे पानी पीने को आप लोग मजबूर हैं, क्या कहेंगे झारखंड सरकार को? आप लोग को नल कुओं या नहीं मिला है? एक छोटी सी बच्ची, बच्ची से बात कीजिए, क्या नाम है तुम्हारा मुन्नी? फुलमुनी कुमारी। तुम लोग अभी छोटा चुहिया से पानी लेकर आ रही है, इसी से खाना बनाती है? इसी से बना है, इसी से। तो बरसात के दिन में ये तो पानी बहुत गंदा हो जाता होगा? गंदा हो जाता है, पूरा भर जाता है, नदी भर गया तो इस तरह। अच्छा, पूरा बाढ़ में मुख्यमंत्री यहाँ के सरकार को क्या कहेंगे? चापाकल नहीं है आप लोग का, क्या कहेंगे? चापाकल भी और लोग यहाँ के लोगों ने बरकट्ठा मुख्यालय से लगभग यहाँ ये गांव रेगनू विलेज आता है जवार पहाड़पुर, और यहाँ अपना शर्म दम इन लोग अपना किसी तरह से रास्ता बनाया है, क्योंकि यहाँ के लोग को जब बीमार उमर पड़ जाता है तो बरकट्ठा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाने में अत्यधिक दिक्कत होता है, इसलिए इन लोग से सहा नहीं गया, और इस तरह का अगर दिक्कत रहेगा तो थोड़ा रास्ते पर ही लोगों को मौत हो जाता है, इसलिए इन लोग ने अपना किसी तरह से शर्म दान दे करके इन लोग अपना कट करके रास्ता बनाया है, बहुत ही दिक्कत का बात है। और ये बरकट्ठा प्रखंड मुख्यालय से ये गौरहर पंचायत के अंतर्गत आता है, और यहाँ के लोग लगभग यहाँ जवार पहाड़पुर में लगभग 2000 की संख्या में निवास करता है, लेकिन यहाँ आवागमन में बहुत दिक्कत है, इतना दिक्कत है कि कहा नहीं जा सकता है। देश आज़ाद होने के बाद 7 दशक होने के बावजूद भी यहाँ कोई जनप्रतिनिधि यहाँ देखने तक नहीं आता है, लेकिन इन लोग क्या करे, लास्ट में क्या करेगा, लास्ट में अपना। और आप लोग का घर में खाना पीना भोजन वोजन कैसे चलता है, कैसे कमाया होता है? पति लोग बाहर में रह के कमाते हैं? हाँ, बाहर ही जाते हैं, लोकल में तो काम उतना नहीं मिलता है। अच्छा, बाहर में रहते हैं, बम्बई दिल्ली में? हाँ, उधर ही जाते हैं। आप लोग का पानी पीने का मुख्य साधन क्या है, पानी कहाँ से लाते हैं? पानी लाते हैं खेत तरफ में बनाए हैं चुहिया, छोटा चुहिया वहीं से लाते हैं, वहीं से। अच्छा, तो पानी तो गंदा रहता होगा? गंदा ही रहता है, फिर गर्मी का दिन में तो ऐसा भी पूरा सूख जाता है। अच्छा। थोड़ा थोड़ा। और हम लोग नदी से पानी ला के खाना बनाते हैं। क्या नाम है तेरा बाबू? राजेंद्र मुर्मू। पढ़ाई करता है? कौन स्कूल में? पहाड़पुर स्कूल। कौन क्लास में है अभी? चट्ठा। तो स्कूल में चापाकल है? खराब खराब है, खराब हो गया। अभी कहाँ पानी पीता है, कहाँ से? हम कुआं का पानी पीते हैं, नदी के कुआं का पानी पीते हैं। तो रास्ता कैसा है? बहुत खराब है। बहुत खराब है। किताब कॉपी लेने के लिए बरकट्ठा जाता है? हाँ। तो आने जाने में दिक्कत होता है ना? अपने से हम लोग इधर रोड बनाए हैं। तुम कौन स्कूल में पढ़ता है? पहाड़पुर जवार में पढ़ता है। कौन क्लास में है? पांचवा क्लास में। तो तुम लोग यहाँ पे क्या क्या दिक्कत होता है तुम लोग को यहाँ? कहाँ का पानी पीता है तुम लोग? अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज, साथ ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।